तकरीबन एक महीना 15-16 दिन बाद मतलब वो चीज लेने का टाइम आ चुका है। अपग्रेड कर लू क्या 4V प्रो में? और बाबा रोमांस रोमांस हो रहा है। मेरे पास आ चुका है हमारा नया चमकता रमकता मोबाइल। ये देखो ना एलवेल वगैरह सब टूट गया, वही ना सॉकेट पूरा फट गया। काली खोला भूटान के अंदर ना एक फेस्टिवल होता है, क्योंकि मैं ना जाना चाहता हूँ वो फेस्टिवल को, ना देखना चाहता हूँ। तो भैया टाइम देखो 4:16 और व्लॉग की शुरुआत में ना आपको दिखाते हैं। ये देखो हम आज कहाँ से व्लॉग चालू कर रहे हैं, अरे व्लॉग भी चालू है और हम लोग का गाड़ी भी चालू है और आपका भाई पूरा सेटअप में। और आपको ना आज वाला प्लान बोलते हैं, आज ना हम हमारा मतलब प्यारा चीज लाने जा रहे हैं। तकरीबन एक महीना 15-16 दिन बाद वो चीज लेने का टाइम आ चुका है, वही जा रहे हैं लेने। गाड़ी है देखो स्कूटी लेके ऑफ रोड चालू। और आज भी स्कूटी के पीछे बैठ जाएगा ना, मैं स्कूटी व्लॉग बनाऊंगा। ठीक है यहाँ पे हमारा हमारे भाई दोनों मिलकर अभी जा रहे हैं, दोनों लुक उठाते हुए। आज ना स्कूटी से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हो मतलब धड़ंग धुरुंग रोड पूरा पूरी। और ये अलाइनमेंट लगे ना मेरे को पूरा पूरी ना 2-3 हफ्ता जैसा हो चुका है, लेकिन ना मैं पहन के रिव्यू नहीं दिया। और आपको कसम से बताता हूँ ये अलाइनमेंट जो है ना एकदम मस्त है। और कमेंट में जरूर से बताना कि ये अलाइनमेंट आपको लग कैसा रहा है, मेरे को मस्त लग रहा है इसलिए मैं लिया, आप लोग दोस्तों को बताना सही है। और आप लोगों को तो इससे पहले वाला व्लॉग में दिखा दिया कि मेरे पास आ चुके हमारा नया चमकता रमकता मोबाइल, जो कि कवर भी ना थोड़ा गंदा गंदा हो चुका है, मतलब कुछ दिन से नया नया चल रहा है, नया मोबाइल नया हेलमेट और मेरा एक दोस्त ना नया बाइक भी लिया हीरो एक्सपल्स प्रो वाला। तो जी तो यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा ब्रेक ले लिया, क्योंकि हम लोगों को ना आ चुका थोड़ा मतलब प्रेशर इस बात का, घर से दबा का पानी पी के आया था, मेरे निकालने वाला टाइम आ चुका है। ओके जगह देखो क्या मस्त है, यहाँ पे ना सूखा वाला पत्ता, यहाँ पे सूखा वाला पत्ता, लेकिन थोड़ा पीछे ना पूरा हरा भरा पत्ता था, यहाँ पे सूखा है बोल के ना हमारे भाई यहाँ पे पानी दे रहे हैं। तो बच्चा एम्प्टी फ्यूल है, अभी ना आराम से पेट्रोल वेट्रोल डाल देते हैं, उसके बाद मस्त से जाएंगे। नाउ लेट्स गो। मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, मतलब कुछ दिन से ना मेरे साथ एक हादसा हो रहा है, हादसा ये कि मेरा व्लॉग सब है ना व्यू नहीं आ रहा है, नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मतलब मेरा जो अकाउंट का रीच है यूट्यूब का वो ना पूरा पूरी घट गया है। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद नहीं आ रहा, मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी आप लोगों के मन में अगर चल रहा है ना मेरे लिए तो बेझिझक बोलो, मैं उसको ना सुधारने का कोशिश करूंगा पूरा पूरी। बाइक वाइक छोड़ो ये सब भी खरीदना पड़ेगा, एक ये दबा के करेंगे ऑफ रोडिंग ना। ये देखो टनल, किसना किसी दिन एक सुपर बाइक खरीदना है, उसके बाद ना ये इस टनल के अंदर ना पूरा भोंग 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 करना है और आप लोगों को इस वीडियो में लाइक करना है। सही है ये देख लो भाई और बहनों, जिंदगी में पहली बार ट्रेन आपने तो देखा ही नहीं है, आपने तो देखा ही नहीं है। और बाबा रोमांस हो रहा है गाइस, रोमांस हो रहा है अंदर है पूरा जूम। लो जी लो जंग छिड़ चुका है, ओ भाई ये तो होने वाला ही चीज है, होता ही रहेगा। अरे और आपको बोलते हम लोग ना अभी शहर घुसने वाले हैं, मतलब वही जाम वाला जगह, टैंटू वाला जगह। मेरे को ना कुमारग्राम के लोगों से ना कुछ पूछना है। एक्चुअली मेरे को ना हाल फिलहाल में एक चीज पता लगा, मतलब 23 मार्च या 24 मार्च को ना मतलब काली खोला भूटान के अंदर ना एक फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पे ना बहुत सारा लोग आता है। तो ये बात मतलब कन्फर्म कौन मेरे को दे पाएगा प्लीज कॉमेंट में, या फिर उसके पास अगर मेरा इंस्टाग्राम आईडी वगैरह है, क्योंकि मैं ना जाना चाहता हूँ वो फेस्टिवल को, ना देखना चाहता हूँ। मतलब 3 बड़ा बड़ा पहाड़ के बीच में ना एक वो है तालाब, वहाँ पे ना बाहर से लोग आके पूजा वगैरह करते हैं, तो ये चीज मेरे को देखना है। लो जी लो पहुंच चुके पूरा पूरी शहर में, यानी कि अलीपुरद्वार, ये रहा ना पार्क रोड का पार्क। और आप लोगों को तो बोला नहीं हम ना क्या लेने जा रहे हैं, एक्चुअली मैं ना लेने जा रहा हूँ हमारा बाइक, जो कि पूरा पूरी ना मतलब 1.5 महीने जैसा ना शोरूम में था। मतलब नॉर्थ बंगाल राइड करने के बाद ना गाड़ी में बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गया था, पिस्टन वगैरह क्या क्या ना। या चलो जी फाइनली पहुंच चुके सर्विस सेंटर के सामने अपना गाड़ी लेने। फोन कर से नहीं आते बोलो, मैं क्या सोच रहा हूँ ना मतलब अपग्रेड कर लूँ क्या 4V प्रो में। कहाँ गया हमारा गाड़ी, ओ भाई मेरा गाड़ी गायब हो जा मट्टा बाहर नहीं की। ओ आपको ना पूरा शोरूम का शेयर कराएंगे आज। तो भैया हम लोग ना मतलब सर्विस सेंटर में ही थे, और एक चीज दिखाना हम लोगों को एकदम भयानक वाला आपको दिखाते हैं। ये देखो क्या भयानक ही एक्सीडेंट हुआ होगा ना इसका, लेकिन ये देखो ना एलवेल वगैरह सब टूट गया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, देख रहे हो इट्स कॉल हीरो। हीरो का मुंडी ठीक है, लेकिन पैर वैर टूट गया, सॉकर वगैरह टूट गया, एलवेल भी टूट गया भाई साहब। मैं क्या सोच रहा हूँ मतलब जो गाड़ी चला रहा था उसका क्या हालत हुआ होगा, सोच रहे हो खत्म सिंह भाई।
तो भैया आपको टाइम दिखाओ, पूरा पूरी 5:46 और ये रहा सर्विस सेंटर। आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, चीज ये रहा और ये रहा, पूरा पूरी 1.5 महीने बाद ना ये। चल स्टार्ट करते हैं। पूरा पूरी 1.5 महीने बाद मेरे भाई, बहुत मिस किया मैं आपको। लेट्स गो। इतना दिन से नहीं चलाया ना, तो गाड़ी ना बहुत ऊंचा ऊंचा लग रहा है। लेकिन आपको एक सही से बात बताएं, अभी भी ना गाड़ी पूरा पूरी ठीक नहीं हुआ, अभी भी ना गाड़ी से पूरा साउंड वाउंड कटर बटर कर रहा है, सिर्फ ब्लॉक पिस्टन वगैरह चेंज हुआ है। अब सबसे पहले ना मेरे गाड़ी को ना पिलाना पड़ेगा पेट्रोल, इसको अब लग चुका है प्यास। तो लो जी लो, ये हम पहुंच चुके अलीपुरद्वार शहर के अंदर, देख रहे हो, और ये है होटल बंग भूमि। चलो चलो मोड़ दो गाड़ी। हम लोग ना प्लान था डायरेक्ट ना तेल वगैरह भराएंगे, लेकिन ये इस जगह पे ना पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल डलवाने के लिए हम लोग को सीधा कहाँ ना जाना पड़ता, इसलिए हम और हमारे भाई ने ये प्लान किया, सीधा हाई रोड ही लगा लेते हैं, उसके बाद पेट्रोल डाल लेंगे। अगर रास्ते में खत्म वतम होता है तो कोई नहीं, खींच लेंगे, यही तो कॉन्टेंट है। और ये रहा आई लव अलीपुरद्वार डुआर्स कॉर्नर। ए लात तेरी, डुआर्स कॉर्नर का DOOA आर कहाँ गया, मतलब बाकी पार्ट कहाँ गया, गायब हो गया भाई। आप लोग बस ये रोड देखो, मतलब पूरा पूरी खाली। इस रोड में अगर पेट्रोल खत्म होता है ना, फिर तो मतलब हालत खराब हो जाएगा। और लो जी लो चचा जी, बताते बताते हम पहुंच चुके हाईवे पर, और यहाँ से ज्यादा नहीं 1 किलोमीटर जैसा होगा पेट्रोल पंप। मस्त से पहुंचते हैं, पेट्रोल डालते अपने गाड़ी में, फिर तो क्या शाही शाही करते हुए घर। लेकिन एक चीज क्या पता लगा मेरे को, पता है ये नया हेलमेट ना बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब ये थोड़ा टाइम में यूज किया ना सर और दुख रहा है, तो ये पहन पहन के ना मेरे को हैबिट करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा लूज भी हो जाए ना और मेरे को हैबिट भी हो जाए। अगर आप लोगों को सच बताओ, इतना पैसा वाला हेलमेट ना मैं पहना नहीं और कभी खरीदा भी नहीं, तो फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ ना, तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो हो गया। ये मेरे भाई ऑफ रोड मिल चुका है, और ये देखो रोड का हालत क्या सेक्सी, क्या प्यारा, क्या चुम्मा वाला है। लेकिन दुख खबर ये है कि ये रोड का ना ज्यादा मजा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि नया नया पिस्टन डला हुआ है ना मेरे गाड़ी में, तो कुछ किलोमीटर जैसा 1100-1200 किलोमीटर जैसा ना मेरे को आराम से चलाना पड़ेगा गाड़ी। और ये रोड देख रहे हो, मतलब आपको लाइट जला के दिखाता हूँ, ये देखो इस साइड में भी जंगल, इस साइड में भी जंगल ना, हम लोग जंगल के बीच से जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि ये व्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं और मस्त से घर जाते हैं। तो ये व्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर से कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना मस्त सब्सक्राइब कर देना, सही है। और दोस्त लोग, मतलब गर्लफ्रेंड, दीदी, भाई, भांजा, भांजी, सब लोगों के साथ ना मेरा वीडियोस को शेयर किया करो, मतलब सब लोग ना मुरझा सा गए वीडियोस में ना, व्यू वगैरह नहीं आ रहा है, प्यार बहुत ही कम दे रहे हो आप लोग। तो चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।